मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली में दंगों के दौरान पिस्टल से फायरिंग करने वाले शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे दिल्ली भी लाया गया है। शाहरुख का आखिरी लोकेशन बरेली में देखा गया था, मगर खुफिया जानकारी के बाद उसे यूपी के शामली से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली हिंसा के दौरान आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक युवक पुलिस पर पिस्टल तान दिया था और पुलिस ने कई दिनों तक इसकी तलाशी की, मगर उसके बाद यूपी के शामली से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद शाहरुख वो चेहरा है जो दिल्ली के दंगों के दौरान जाफराबाद में पुलिस पर पिस्टल तान दी थी, बल्कि 8 राउंड फायरिंग भी की थी और ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहरुख फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि शाहरुख दिल्ली के उस्मानाबाद का रहने वाला है और पूरा परिवार घर से फरार हो गया था। पुलिस शाहरुख की तलाश कई दिनों से कर रही थी, मगर घर पर ताला लगा हुआ था। शाहरुख को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 टीमें तैयार की थीं और अब दिल्ली उसे गिरफ्तार करके शामली से लाया गया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने जो फायरिंग की थी उसकी फायरिंग की गोली से एक युवक घायल भी हुआ था। पुलिस ने आखिरकार शामली से शाहरुख को गिरफ्तार किया है और दिल्ली लाया है। अब दिल्ली पुलिस शाहरुख से पूछताछ कर रही है। अभी तक जिस पिस्टल से शाहरुख ने फायरिंग की थी वो पिस्टल नहीं बरामद हो सकी है। पुलिस के अनुसार शाहरुख से पूछताछ में बहुत खुलासे हो सकते हैं। आखिर क्या दिल्ली में जो दंगा हुआ वो प्लानिंग था, शाहरुख से ये भी पूछताछ होगी। शाहरुख के पीछे तस्वीरों में जो युवक दिखाई दे रहे हैं क्या उसके साथी है, ये भी शाहरुख से पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस इससे पूछताछ करेगी। वहीं शाहरुख के पिता शाबिर पर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पुलिस शाहरुख को गिरफ्तार भी कर ली है। अब आगे उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में ही सच सबके सामने आएगा। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने जो नारकोटिक सेल है उसने जो सेंसेशनल शूटिंग की थी 25 तारीख को रात के दौरान, उसका जो एक्यूज था शाहरुख उसको अरेस्ट किया है। ये 25 तारीख को बता रहा है कि प्रोटेस्ट जो थे रॉयट का, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसका पार्ट था। तो इसने तैश में आके अपनी पिस्टल निकाल ली थी। तो जब हमारा एक हेड कॉन्स्टेबल है दहिया वो इसकी तरफ गया था तो उसने उसके भी पिस्टल तानी थी, इसके ऊपर भी फायर नहीं किया था। उसके बाद ये वहां से भाग गया था। इसकी उस वहां से उस इंसिडेंट के बाद ये अपनी एक गाड़ी है इसके पास, उसमें कुछ दिन दिल्ली में घूमता रहा कुछ देर, फिर ये पंजाब की तरफ चला गया, फिर ये बरेली होता हुआ शामली में पाया गया था। तो हमारे पास टेक्निकल इनपुट थे और मैनुअल इन्फॉर्मेशन थी और ये अभी अपना ठिकाना चेंज करने वाला था शामली से। उससे पहले हमारी नारकोटिक की टीम है, ACP गुज्जा साहब हैं, इंस्पेक्टर राम मनोहर हैं, 2 SI हैं इस्माइल और बरकत, उनकी टीम ने इसको जाके शामली से अरेस्ट किया है। इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसका PC लिया जाएगा, इसकी फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। टोटल कितना राउंड फायर किया था जिस वक्त में और वो पिस्टल किसका था? बता रहे थे पहले कि ये पिस्टल जो है वो कंट्री मेड नहीं था। पिस्टल रिकवर हो गई? ये पिस्टल रिकवर की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंगेर का पिस्टल है, इसका एक साथी था जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था। ये आदमी अपने ही घर में जुराबों की फैक्ट्री चलाता है, उसमें कोई लेबर काम करता था मुंगेर का था, उससे इसने 2 साल पहले लिया था। सर इस तरह आके इसने फायरिंग की, कितने दिन की पीछे लेगी और कहां फायरिंग करेगी, क्या था? इसने बताया कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और पत्थरबाजी होने लगी तो ये तैश में आ गया और स्पर ऑफ मूवमेंट पे इसने फायरिंग कर दी। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, क्योंकि वो अचानक से पिस्टल लेके आता है फायर कर देता है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इसका अपना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी नहीं मिला है। इसके पिताजी का एक केस है नारकोटिक का और फेक करेंसी का, इसका अपना रिकॉर्ड नहीं है। बाकी किस गैंग से कोई तल्लुक रखता है अभी इस पर इन्वेस्टिगेट जारी है। जो इससे पता लगा है शौक की फैक्ट्री चलाता है, मॉडलिंग का शौक रखता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। लेकिन गोली लेकर गया उस दरमियान जब दंगे हो रहे थे, पत्थरबाजी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के द्वारा इंस्टिगेट किया गया तो उसके बाद ये सारी उस एंगल पे भी इससे पूछताछ प्रिलिमिनरी भी की है, अभी ये डिनाई कर रहा है। लेकिन इस पे हम गहन पूछताछ करेंगे कि क्या किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है
सडनली तैश में ये बता रहा आने के लिए, क्या कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं था, इस पे हम बात करेंगे। सर ये कह रहा है कि तैश में आया, लेकिन इसने वहां पर कई राउंड फायर किया जो कि वीडियो में दिख रहा है, दीपक दहिया के ऊपर इसने पिस्टल तान दी। तो वहां पर पिस्टल लाने का मकसद ही ये साफ करता है कि ये किसी प्लानिंग के तहत आया था। आपने अभी तक इनिशियली जितनी भी आपको समय मिला जो पूछताछ की, कुछ बताया कि सिर्फ तैश थी या पूरी प्लानिंग के तहत दिल्ली को भड़काने की साजिश थी? उस बात पे पूरी गहन से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुद आया था या किसी के बुलाने पे आया था, किसी के लोगों के टच में भी था, उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तीन गोलियां चली हैं, पांच इसके पास थी, दो ये कहता गिर गई हैं, तीन खोखे ही मिले थे वहां खाली, तीन गोलियां चली हैं। क्या देसी तमंचा था वो? क्योंकि वो लग नहीं रहा है देखने में, अभी तक इसने क्या जानकारी दी है उस पिस्टल की? वो पिस्टल जो था मुंगेर का बना हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, अच्छी क्वालिटी का है। किस बिग का है सर वो? बिग क्या? 7.65 बोर का है। सर क्या, जैसा कि इसकी वीडियोस आई हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ये मॉडलिंग करता था, टिकटॉक बनाता था, इसकी कुछ जिम की वीडियो आई है, तो इसने क्या कुछ बताया, इसका प्रोफाइल किस तरीके का है, कोई स्टूडेंट बताया जा रहा है इसके आसपास के जो लोग हैं, क्या कर रहा था फिलहाल? ये स्टूडेंट फिलहाल नहीं है, ये सेकेंड ईयर बीए तक पढ़ा हुआ है, अभी तो अपना बिजनेस कर रहा था, जिम जाता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है और अपना कोई म्यूजिक वीडियो बना रखा है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं जो लॉन्च नहीं हुआ है। शामली में किसके घर में कहां रुका था? आपने इसको अरेस्ट किया शामली में? कहां से अरेस्ट किया? कहां ये रुका? ये एग्जैक्ट रूट सर, यहां से दिल्ली से निकलने के, दिल्ली से यहां घूमता हुआ नॉट प्लेस पहुंचा था, ये कहता वहां पार्किंग में सोया था गाड़ी में, उसके बाद ये बता रहा है कि जलंधर गया था, जलंधर में किसी दोस्त के पास जाना था, नहीं गया, वहां से बरेली चला गया, फिर वहां से शामली किसी दोस्त के पास आ गया और वहां हमने ये ठिकाना चेंज करना था, बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, ये बस स्टैंड से पकड़ा इसको, शामली बस स्टैंड से। इसका क्या कोई दोस्त भी था जिसने छिपने में यहां पे मदद की थी, और बरेली का क्या कनेक्शन है सर? वो इसके नाम पूछ रहे हैं कि बरेली में जहां शामली में वेरीफाई करेंगे इसकी लोकेशन वगैरह से कि ये जो कह रहा है वो सही बात है, और उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन होगी उनको भी अरेस्ट करेंगे। सर एक बार इसके गायब होने का रूट बता दीजिए, और जब वहां पर पहुंचा था क्या अकेला पहुंचा था, क्या ये जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था जाफराबाद के नीचे, क्या उस प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था? और क्योंकि मॉब में जब दीपक दहिया के सामने खड़ा है तो पीछे और भी काफी सारे लोग इसके साथ दिख रहे हैं, क्या अकेला था या इसका गैंग था पूरा वहां पर? अभी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन, अभी कुछ पूछताछ कर पाया क्योंकि हमने कोर्ट में भी पेश करना है इसको लेके आए वहां से, उसमें ये बताया कि अकेला ही गया था ये प्रोटेस्ट में, और वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी तो इसने फिर आके वहाँ पे गोली चलाई। वो गाड़ी कहाँ है जिसमें सर फरार हुआ था? मिला है क्या? और ऐसा कुछ लगता है कि जिस दिन दंगे हुए, जिस दिन इसने फायरिंग की, उससे पहले कुछ लोगों के संपर्क में था, कुछ इस तरह की? वो हम स्टडी कर रहे हैं उस एंगल पे, हम स्टडी। मोबाइल के अलावा गाड़ी कहाँ है सर? अपनी जिस गाड़ी से एस्केप हुआ था वाली गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी इसने कहीं छुपाई है, कवर करेंगे एस्टीम गाड़ी। चांदबाग में जहाँ पर डीसीपी शाहदरा फंस गए थे मॉब के बीच में, वहाँ से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, उनसे क्या कुछ अभी तक की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो इंटरोगेशन इससे हुई है कुछ कनेक्शन मिल पाया है क्या? पहले से ये प्लानिंग थी कि कहां कहां पर किसको फायरिंग करनी है, ऐसा कुछ अब तक कुछ कोरिलेट हो पाया? ये अभी तक तो इस बात से डिनाई कर रहा है, पर हम इस एंगल पे इसे और गहन से पूछताछ करेंगे। क्या ये ताहिर के जो काउंसलर ताहिर को जिसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, क्या किसी तरीके का उससे कुछ टच में था या पहले कभी ऐसा रहा है कि ताहिर का इसका कोई कनेक्शन रहा? उस एंगल को भी प्रूव किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।